हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने इस वीडियो पर थंबनेल पर क्लिक किया है तो आज आपको कंप्लीट सीखने को मिल जाएगा कि मोबाइल से अपने एडसेंस का पिन कैसे वेरीफाई करते हैं। सो फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको इस चीज़ को दिखाने से पहले, यदि आप एक नए क्रिएटर हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें डाउट क्लियर करना चाहूँगा। आप यदि नए क्रिएटर हो तो आप भी कंसिस्टेंसी के साथ कितनी मेहनत करते हैं और उसके बाद जाकर आपका कहीं चैनल मोनेटाइज होता है, और चैनल मोनेटाइजेशन के बाद एक आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक्शन बटन आता है, और आप कौन कौन सी मिस्टेक कर देते हो, क्यों किन मिस्टेक की वजह से जो कुछ लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया है तो उनका पिन नहीं आ पाया और वो अर्निंग नहीं कर पाए हैं, और फिर उसका भी क्या सोल्यूशन है, कंप्लीट आपको मैं इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। पर उससे पहले थोड़ा सा इसको थियोरेटिकली जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जब भी हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए हम अप्लाई करते हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, हम वीडियो मोनेटाइज कर लेते हैं, तो फिर हमें आता है एक्शन बटन। एक्शन बटन आने के बाद हम वहाँ पे एक्शन लेते हैं अपना एड्रेस वेरीफाइड करते टाइम। इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि आपको आधार कार्ड में बोल रहा हूँ, आपको अपनी आईडी कार्ड या आपको पैन कार्ड तो वेरीफाइड करना है। आईडी में आपका वोटर आईडी होती है, ठीक है, और आपका पैन कार्ड, दो में से किसी एक को वेरीफाइड करना ही पड़ता है। तो आप उस चीज़ को सेलेक्ट करिए जिसमें आप 100% श्योर हो कि इसमें एड्रेस भी सही है और इसका एड्रेस हमें पता है कि इसका एड्रेस क्या है। देखिए, पैन कार्ड में एक्चुअल में एड्रेस नहीं शो होता, ठीक है, आईडी कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस रहता है। तो बट कुछ लोग पैन कार्ड भी अप्लाई करते हैं, तो वोटर आईडी यदि अप्लाई कर रहे हो दोनों साइड का करिएगा, और यदि आप पैन कार्ड करते हो तो पैन कार्ड को आप केवल और केवल एक साइड से, फ्रंट साइड जिस पर जिस साइड सिग्नेचर होता है उस साइड अप्लाई करिए, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि इस पर मिस्टेक क्या नहीं करनी है। आपको पैन कार्ड में चेक करना है कि कौन सा एड्रेस है, और चेक कैसे करेंगे, आप आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, सब कुछ आपने घुमा दिया है, तो आपको सीधे NSDL के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे रीप्रिंट पैन के नाम से एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके अपने पैन नंबर डालकर आपको देख लेना आपके मोबाइल नंबर कौन सा दिया है, आपका एड्रेस कौन सा है, वहाँ पर सब कुछ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन से आप चेक कर सकते हो कि आपके आधार कार्ड जो है आपका पैन कार्ड से लिंक है या नहीं लिंक है। यदि आप इतना कर लेते हो तो फिर आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका पैन कार्ड बिल्कुल सिक्योर है, आपका अपना एड्रेस, पैन कार्ड के एड्रेस जो आपने चेक किया है वही चीज़ डाल सकते हैं। अगर आधार कार्ड से भी लिंक है तो आप आधार कार्ड का एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपके एड्रेस में। आप यदि आधार कार्ड आया है आपके एड्रेस में तो आपका पिन भी आ जाएगा आपके एड्रेस में। सो चलिए अभी मोबाइल स्क्रीन पर तो चलकर फिलहाल देख लेते हैं कि इसको हम कैसे वेरीफाइड करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, आप छोटी छोटी मिस्टेक्स में जैसे अपना नाम और अपने जो है एड्रेस जो है उसमें मीनिंग एक स्पेलिंग भी मिस्टेक मत करेगा यदि आप पिन मंगा रहे हो, तो अदरवाइज आपका पिन भी आने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और अर्निंग आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हालांकि गूगल एडसेंस से अब जो अर्निंग आती है वो यूट्यूब के स्टूडियो पर ऐड होती रहती है, बट आप वहां से पेमेंट रिलीज ही नहीं होगा, होल्ड रहेगा जब तक आप पिन वेरीफाइड एड्रेस वेरीफिकेशन नहीं करोगे। सो चलिए देख लेते हैं कैसे हम मोबाइल स्क्रीन से अपने गूगल एडसेंस को वेरीफाइड करते हैं और 100% इसमें सक्सेस पाते हैं। सो ऐसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने मोनेटाइज के लिए काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और गूगल एडसेंस के पिन के लिए भी काफ़ी इंतज़ार किया हूँ, और आप मेरा देख सकते हो स्टूडियो कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है और मैं कैसी जगह में अभी खड़ा हूँ। मैं अभी आपको शो नहीं कर सकता हूँ बैकग्राउंड में क्या रखा होता है, कैसे मैं काम करता हूँ। सो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ कैसे मोनेटाइज करना है। सो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वेरीफिकेशन करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। यदि आप कहोगे तो यूट्यूब से रिगार्डिंग और भी वीडियो मैं बना सकता हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड, आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र, जिससे भी आप ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट जिससे भी आप ब्राउजिंग करते हो, अपना यूट्यूब चैनल खोलते हो, जिस ब्राउज़र पर भी आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। कस्टमाइजेशन पर आकर अपना चैनल को ओपन कर लीजिए, सिंपली डैशबोर्ड पे आ जाइए। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट, प्लीज़ साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर एड्रेस यूजिंग द पिन कोड मेलेड टू योर बिलिंग एड्रेस। तो आपके बिलिंग एड्रेस पर एक पिन आया है, उसको आप इस पर डालना है। तो कैसे जाएंगे उसके लिए, सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे की ओर आ जाना है और मोनेटाइजेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ आ रहा होगा, एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कम्प्लीट इन एडसेंस। ओके, कम्प्लीट इन एडसेंस पर क्लिक करके आपको यहाँ सीधे ये रिडायरेक्ट कर देगा एडसेंस पे। ओके,
सो फ्रेंड आप देख सकते हो हमें रीडायरेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आ रहा मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन सो मैनेज कर दिया है, भर दिया, सब कुछ भर दिया है। सो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है जो मेन है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन, है ना। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आता है, फिर आइडेंटिटी यानी आपका एड्रेस डालना होता है, आपका एड्रेस डल जाता है, पिन कोड डल जाता है, मोबाइल नंबर वहाँ पे डल जाता है, और आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड, सॉरी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आप जो भी डालते हो। तो फिर उसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन, जब आप अप्लाई कर देते हो, सबमिट कर देते हो, तो आपको आपके एड्रेस पर एक पिन आती है, तो फिर उसके बाद होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। तो अब आज करना पड़ेगा एड्रेस वेरिफिकेशन। सो आपको यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करना है, पेमेंट ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक कर देंगे तो अब आप देख सकते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड एंड एड्रेस वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीटेड हो चुका है। सो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी अपना नाम, जो भी पैन कार्ड डाल रहे हो तो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग्स आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस, अब मोबाइल नंबर, पिन कोड, सब कुछ अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालिए। आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड डाल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग डालिए। और आपको एड्रेस वेरिफिकेशन में एक पिन आएगा जब आप उसे सबमिट कर दोगे, ठीक है। पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने का ऑप्शन आएगा, फिर एक्शन आएगा, एक्शन रिक्वायर्ड होगा, एक्शन आएगा तो वहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में जब आपका पिन, जैसे मैंने दिखाया आपको पिन आ जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे 6 अंक का पिन डाल देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आपने देख लिया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको बताऊंगा कभी कभी आपको मोबाइल पे एडसेंस लॉगिन नहीं होता है तो कैसे लॉगिन कर सकते हैं।